यही घर है हमारे ऋषि कपूर जी का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे बट हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे। यहीं पर रहते हैं हमारे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वगैरह। ये देखिए घर की कीमत है 300 करोड़ रुपए जी। अच्छा 5 और 7 दोनों उनके। अच्छा आप लोग तो देखते होंगे ना, हैं नहीं देख पाते। अच्छा अभी रणवीर कपूर और आलिया भट्ट वगैरह अभी इस घर में नहीं रहते हैं बट बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। ऋषि कपूर जी का जन्म हुआ था वो मुंबई के चेंबूर में 4 सितंबर 1952 का हुआ था। इस घर को जो है ना 9 साल से बनाया जा रहा है। बेडरूम बनाया गया और दोनों तरफ विंडोज है शीशे की, ठीक देख सकते हैं आप ठीक से। हमारे जो ऋषि कपूर की जब डेथ हुई थी वो 30 अप्रैल 2020 को हुई थी। देख रहे हैं 2 फ्लोर, ये देखिए ये पार्किंग के बनाए जा रहे हैं काफी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ये देख जो पत्नी थी 55 थी तो 5वां और 7वां उन्हीं का फ्लोर है, ठीक है तो इसी के अंदर रहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनी ब्लॉग। सो फाइनली गाइस नहा धोकर रेडी हो चुके हो। आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे बॉलीवुड के महान अभिनेता ऋषि कपूर जी का घर। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको बता दूं उनका घर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है और बहुत ही आलीशान और खूबसूरत बना हुआ। और गाइस जैसे कि आपको बता दूं उनका घर जो है ना 9 साल से बन रहा है। तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा बांद्रा की तरफ और आज जो है ना उनका पूरा घर दिखाने वाला हूँ। उनके पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ, बायोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी पूरी होम हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। और जैसे गाइस आपको सभी को पता है कि ऋषि कपूर सर तो हमारे बीच नहीं रहे बट उनकी यादें हमारे दिलों में आज तक जिंदा है और जिंदा हमेशा रहेंगी। तो गाइस जैसे कि आपको बता दूं आज वहां पर पार्टी वगैरह का भी इंतजाम है, वहां पर बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं और उनका लड़का रणवीर कपूर भी आ रहा है। तो चलो वहां से जो है ना जो भी आएगा आपको सबसे मिल पाता हूं और दिखाता हूं उनका आज हाउस। तो चलिए मिलते हैं आज से हाउस की तरफ, चलिए करते हैं व्लॉग को शुरू कंटिन्यू। आप लोग बने रहना, देखते हैं आज का लोग कैसा बन पाता है। ओके लव यू बाय। तो फाइनली गाइस मैं अभी सीधा आ चुका हूं अंधेरी के रेलवे स्टेशन और यहां से मुझे अभी जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे क्योंकि वहां से ट्रेन मिलेगी। तो चलो चलते हैं यहां से अभी फट, मैं अभी फटाफट से बस से उतरा हूं। तो चलो चलते हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, यहां से निकलते सीधा अपनी लोकेशन की तरफ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ट्रेन वगैरह नहीं है, ये देखो पूरा खाली पड़ा है। तो चलो चलते हैं अपनी ट्रेन का, थोड़ा वेट करते हैं। तो चलो भाई फिर ट्रेन आ चुकी है और फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और निकलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। और ये देखो भाई आज भीड़ कितनी है, ये देखो ये होती है हालत। देखो चलो बैठते और यहाँ से निकलते। अभी मैं सीधा आ चुका हूँ बांद्रा रेलवे स्टेशन और भाई साहब यहाँ से मुझे निकलना है जल्दी से अपनी लोकेशन की तरफ। तो यहाँ से बस वगैरह या ऑटो वगैरह से निकलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। और ये है अभी फिलहाल आप देख सकते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन। ये देखिए थोड़ा आपको नजारा दिखा देता हूँ यहाँ का। ये देखो ये देखिए ये है बांद्रा का रेलवे स्टेशन, काफी आलीशान और काफी खूबसूरत बना हुआ है। तो चलो यहाँ से निकलते फटाफट से बस वगैरह पकड़ते और चलते अपनी लोकेशन की तरफ। तो गाइस अभी मैं सीधा आ चुका हूँ बांद्रा के पाली हिल की सोसाइटी के अंदर जहाँ पर सारे सेलिब्रिटी के घर और एक से एक बड़ा यहाँ पर सेलिब्रिटी रहता है। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ के रास्ते, देखिए कितने खतरनाक है ये देखो। चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ और दिखा दे आज आपको और ऋषि कपूर सर का घर। फाइनली गाइस काफी टाइम के बाद में मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपको ऋषि कपूर जी का नया वाला घर दिखाने के लिए। जी हाँ गाइस, जैसे कि गाइस आपको बता दूं अभी यहां पर वो लोग सारे शिफ्ट नहीं हुए उनकी फैमिली। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूं उनका घर। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी जस्ट इनके घर के सामने खड़ा हूं और इनके घर के जो 2 मेन गेट है, एक ये आप देख रहे होंगे और एक ये वाला, ठीक है। और ये सामने आप देख रहे हैं ये हमारे ऋषि कपूर जी का घर, देखिए काफी आलीशान और खूबसूरत बनाया जा रहा है इसको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और कितना अच्छा इसको बनाया जा रहा। ये देखिए यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग, ये देखिए और काफ़ी आलीशान इसको बनाया जा रहा है। अभी जैसे गाइस आप देख पा रहे होंगे नीचे के जो फ्लोर वगैरह अभी तैयार नहीं हुए हैं और ऊपर का जो है ना कम्प्लीट वगैरह अच्छी तरह से हो चुका है। देखिए वर्कर वगैरह अभी काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी जैसे भी इसकी हिस्ट्री आपको और भी आगे बताता हूँ और अच्छी तरीके से इसको और भी अच्छा और व्यू आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी जो है ना इस घर के अगले हिस्से की तरफ बिल्कुल जस्ट सामने आ चुका हूँ। और जगह जैसे कि आपको बता दूँ अभी रणवीर कपूर और आलिया भट्ट वगैरह अभी इस घर में नहीं रहते हैं बट बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि आपको बता दूँ आज जो है ना पार्टी वगैरह यहाँ पर हुई थी बट यार मैं थोड़ा लेट पहुँचा। मेरे को पता था कि 18 तारीख पर यहाँ पर फंक्शन होने जा रहा है क्योंकि रणवीर कपूर वगैरह यहाँ पर आते भी रहते हैं घूमने के लिए और काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लोर करते हैं। रोज़ दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आते हैं वो घूमने के लिए। और जैसे गाइस आपको बता दूँ इस घर की जो कीमत है ना, इस घर की कीमत है 300 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और गाइस बता दूँ आपको इस घर को जो है ना 9 साल से बनाया जा रहा है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी तरह से, ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से इसका आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है। और सामने आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देखिए वर्कर वगैरह अभी अच्छी तरह से काम वगैरह कर रहे हैं और सामने रेलिंग वगैरह लगा हुआ है। और सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बंदा खड़ा है, ठीक है, वहाँ पर जो है एक बेडरूम बनाया गया और दोनों तरफ विंडोज़ हैं
शीशे की ठीक देख सकते हैं आप ठीक से, और सामने जो रेलिंग दी गई है स्टील की, ये देखिए थोड़ा और अच्छी तरह से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा ऊपर तक आपको दिखा देता हूँ, और नीचे जो आप छज्जों के नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ना लकड़ी वाली टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं। ये देखिए और काफ़ी अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये शीशे वगैरह का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप सामने बालकनी ठीक है, और ये नीचे आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर जो है ना काम चल रहा है। और जैसे कैसे आपको बता दूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं दो फ्लोर, ये देखिए ये पार्किंग के बनाए जा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, और भाई जैसा कि आपको बता दूँ यहाँ पर जो है ना रणवीर कपूर और आलिया भट्ट बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, बट अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग पाएगा। देखिए अभी ऊपर का फ्लोर काफ़ी कम्प्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए तो चलिए अभी जैसा भी और भी आपको आगे बताता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर गेट है, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं अभी गया था, मैंने मालूम करेगा कि सर मैं अभी अंदर जा सकता हूँ तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो आप यहाँ से बाहर से अच्छी तरह से वीडियो भी बना सकते हैं और इनका घर अच्छी तरह से आकर देख भी सकते हैं। ये इनका मेन एंटर गेट है और एक उधर की तरफ है, ये देखिए उधर आप साइड में देख रहे होंगे एक इधर की तरफ है ठीक है। तो इस घर के दो दरवाजे बनाए जा रहे हैं, बट अभी तो ये टीन वगैरह इन्होंने काम चलाओ के लिए खड़ी कर दी हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो ना यहाँ पर स्पेशल वाले दरवाजे लगेंगे, ये अभी फिलहाल के लिए खड़े करें ठीक है। तो चलिए अभी जैसा भी आ गया और आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको बता दूं, हमारे जो ऋषि कपूर जी का जन्म हुआ था वो मुंबई के चैम्बूर में 4 सितंबर 1952 का हुआ था। जी हाँ गाइस, और गाइस जैसा कि आपको बता दूं, इनके जो पिताजी का नाम था वो था राज कपूर और इनके दादाजी का नाम था पृथ्वी राज कपूर। जी हाँ गाइस, और इन्होंने जो है सबसे पहली जो मूवी इन्होंने अपनी रिलीज की थी उसका नाम था मेरा नाम जोकर। जी हाँ गाइस, जिसमें इन्होंने एक पिता का रोल किया था। और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनका आलीशान घर है, जस्ट मैं इसके सामने खड़ा हूँ। तो चलिए अभी और भी आगे इनकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं जस्ट इसके साइड में आ चुका हूँ, तो साइड से आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, वर्कर वगैरह अभी काम कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ का एंटर गेट और यहाँ की कुछ लोकेशन ऐसी है। ये देखिए ये पूरा यहाँ से आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये देखिए अभी वर्कर वगैरह यहाँ पर काम में लगे हुए हैं क्योंकि अभी कम्प्लीट होने में अभी इसको टाइम लगेगा। ये देख सकते हैं कि आपको बता दूं, हमारे जो ऋषि कपूर की जब डेथ हुई थी वो 30 अप्रैल सन 2020 को हुई थी। और वो किस कारण हुई थी, उन्हें जो है ना कैंसर की एक बीमारी हो गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है गाइस। तो उनके कारण उसके कारण उनकी डेथ हुई थी। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो काफ़ी आलीशान इनका घर वगैरह बनकर अभी रेडी हो चुका है। तो अभी जो है ना इनकी फैमिली जहाँ पर रहती है ऋषि कपूर जी की, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट वगैरह और उनकी माँ जो भी पूरी फैमिली रहती है वो अभी आगे है उनका जहाँ पर वो अभी फिलहाल रहते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं और जैसा भी अभी कुछ आपको बताता हूँ। बस अभी मैं जो है ना इनके घर के लेफ्ट साइड में आ चुका हूँ और जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कितना सुंदर इधर से देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा। और अभी जो ना इधर से भी काम वगैरह चल रहा है, पहाड़ वगैरह आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। और गाइस जैसा कि आपको बता दूँ, इनकी पत्नी का नाम था नीतू सिंह, जी हाँ गाइस, और इनकी जो है लड़की का नाम है रिद्धमा सिंह, जी हाँ गाइस। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इधर से नज़ारा थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे घर का। ये देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी नज़ारा अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ना लेफ्ट साइड का कोना है, यह है गेट जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, और यहाँ की जो लोकेशन कुछ इस तरह की घर के सामने, ये देखिए। जैसे कि आपको बता दूं, हमारे ऋषि कपूर जी ने कब शादी की थी, जैसे कि आपको बता दूं इन्होंने जो शादी की थी 1980 में शादी की थी दिल्ली के अंदर। जी हाँ गाइस, और इनकी जो पत्नी थी एक पंजाबन थी। और गाइस जैसे कि आपको बता दूं, अब यहाँ से घर आपको दिख रहा है और यही घर है हमारे ऋषि कपूर जी का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे। अभी ये घर जो है रणवीर कपूर संभालेंगे जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं, और आलिया भट्ट वगैरह सब इसी के अंदर बहुत जल्द शिफ्ट होने वाले। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं गाइस फटाफट से आगे की तरफ और आपको दिखाता हूँ वालागर जहाँ पर अभी फिलहाल ये सारे लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी आगे की तरफ क्योंकि यहाँ पर अब काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने सारी हिस्ट्री आपको बता दी है यहाँ पर और अच्छी तरह से घर भी दिखा दिया। तो चलो चलते हैं अभी आगे की तरफ। मैं वहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर ये अभी फिलहाल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर और अपनी माँ के साथ में यहाँ पर पूरी फैमिली रहती है। तो चलिए मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की, पहले आप थोड़ा लोकेशन देख लीजिए सामने की। ये देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है पर वस्तु पाली हिल, ये देख सकते हैं पूरा बंगले का नाम लिखा हुआ है ठीक है। और इसी के अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ में रहते हैं। ये देखिए अभी चलो थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ और अच्छी तरह से आपको नज़ारा दिखाता हूँ इस बिल्डिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी जो गेट खुला है और ये यहाँ पर बिल्डिंग का गेट है ठीक है, और यहीं पर हमारे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट रहती हैं। सामने आप देख रहे होंगे सामने वाली बिल्डिंग ठीक है, इसी के अंदर रहती हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो ये लोकेशन है ठीक है, यहाँ से जस्ट अंदर को जाते हैं और सामने वाली आप देख पा रहे होंगे वहाँ उनकी गाड़ी वगैरह सब खड़ी होती है ठीक है, और इसी के अंदर रहते हैं। ये देखिए
चलो अभी थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ और अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि बंगले की जो यहाँ की बिल्डिंग का एरिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर नेम प्लेट लिखी हुई है, ये देख सकते हैं अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। और जस्ट मैं इनके गेट के सामने आ चुका हूँ, ये देखिए, और यही यहाँ पर आपको बिल्डिंग नज़र आएगी। यहाँ पर पेड़ वगैरह खड़े तो इसलिए थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ पा रहा हो, ये देखिए, जस्ट इधर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं बिल्कुल अभी नज़दीक आ चुका हूँ, और देखिए यहाँ से जो बिल्डिंग का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहीं पर रहते हैं हमारे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट वगैरह, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ये देख सकते हैं। अंकल कौन से फ्लोर पर रहते हैं वो? 5 पे। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा 5वें फ्लोर पर ना? 572 जी, 572। अच्छा 5 और 7 दोनों उनके। अच्छा अच्छा गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल बता रहे हैं, तो 5वां और 7वां उन्हीं का फ्लोर है, ठीक है, तो इसी के अंदर रहते हैं। उनका कोई टाइम वगैरह होता है क्या आने का? कोई टाइम नहीं होता, आप लोग तो देखते होंगे ना, हैं नहीं देख पाते? अच्छा, काले शीशे की गाड़ी होती है, आते और निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का नज़ारा है, भाई वो किसी से मिलते नहीं हैं, आए और अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और फटाफट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई सभी चलते हैं यहाँ से फटाफट से, ये यहाँ का ऑफिस है, ये यहाँ का मेन गेट है, और यहाँ की आप लोकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलो अभी चलते आगे की तरफ, जैसे भी आपको बात चली गई, अभी मैं वहाँ से आ चुका हूँ, और जैसे ही गई आपको मैंने ऋषि कपूर जी का घर दिखाया एंड रणवीर कपूर जी का घर दिखाया, बट अभी तो वो दुनिया में नहीं रहे हमारे ऋषि कपूर जी, बट हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी यादें, उनके गाने वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम उन्होंने यार कमाया। जैसा भी है, तो गाइस मैंने जो है ना अभी आपको वो भी घर दिखाया जहाँ पर अभी रणवीर कपूर अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, आलिया भट्ट के साथ में और उनकी माता के साथ में, पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। बट जैसा कि अंकल जी से मैंने मालूम करा कि मैं अंकल आपने तो देखा होगा, बट वो बोले कभी नहीं देख पाते क्योंकि भाई काले शीशे की गाड़ी होती है इनकी, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव है, और कब निकले और कब आए उनका कोई पता नहीं रहता। तो चलिए गाइस, यही इनकी सोसाइटी है। अगर गाइस यहाँ की लोकेशन की आपको बात कर लूँ, बट आपने जैसे कि लोकेशन तो देख ही ली होगी, पाली हिल है, बट आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर गाइस आप यहाँ पर आना चाहते हो और ये दोनों घर अपनी आंखों से लाइव देखना चाहते हो, तो मेरे ब्लॉग की लोकेशन से आप आ सकते हो। ये जो लोकेशन पड़ती है, पाली हिल पड़ती है बांद्रा, जी हाँ गाइस, इतने घर की तरफ। और आज का ब्लॉग जो ना यहीं तक था, आपको ब्लॉग कैसा लगा गाइस? जैसे कि आज के ब्लॉग में मैंने आपको ऋषि कपूर जी का घर दिखाया और आलिया भट्ट एंड उनके जो लड़का है रणवीर कपूर अपने साथ में वहाँ पर रहते हैं, वो घर दिखाया जहाँ पर अभी वो फिलहाल रहते हैं, और जो उनका वो नया घर बनना है तो अभी वहाँ पर वो शिफ्ट नहीं हुए। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग आपको कैसा लगा एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट से जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि अगली आने वाली ऐसी वीडियो आप मिस ना करें और आप अच्छी तरह से देखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, लव यू, बाय।